Welcome to Edu Club for you. And today we move forward to another step in the Indian history. In the previous videos, we tried to discuss about the different foreigner traders who move forward to India for business. First of all, the Portuguese, then the Dutch, the Danes, again we go through the French, and finally British. But it is a different issue that British will come forward before French. But today, in this video, we try to focus that how the French and the British, having the anxiety to expand throughout India. आज के इस वीडियो में डिस्कस यह करेंगे कि भारत में फ्रेंच और ब्रिटिश यानी इंग्लिश ये दोनों ट्रेडर कैसे धीरे 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 भारत में फैले. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आया और स्टार्टिंग में उनको परमिशन नहीं मिला था. थॉमस रॉय के थ्रू में उनको परमिशन मिला. धीरे धीरे वो फैलते गए, उनका पावर बढ़ता गया. और दिक्कत तभी हुआ जब 1707 में औरंगजेब का देहांत हो गया. ही वॉज द लास्ट पावरफुल मोगल एम्पायर ऑफ इंडिया जिनके अंडर में भारत के सारे छोटे छोटे जितने भी राजा हुआ करते थे उस समय सबका पावर वो सेंट्रल पावर बनकर थे भारत में. ठीक है. बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब उनके जो सक्सेसर थे वो नहीं संभाल पाए. सो इट्स द टाइम व्हेन देयर आर डिफरेंट किंग्स थ्रू आउट इंडिया एंड दोज हु स्ट्रगल देमसेल्फ टू बिकम द गेट द सुप्रीमेसी. भारत में बहुत अलग अलग राजा अलग अलग प्रांतों में थे जो हमेशा ये कोशिश में रहे कि खुद को कैसे ज्यादा पावरफुल बनाए. और यही सबसे बड़ा रीजन था, यही सबसे बड़ा लूपहोल था जब बोथ फ्रेंच एंड ब्रिटिश ये दोनों भारत में खुद को एस्टैब्लिश करने का सपना देख पाए. तो इसी के चलते मैं यहां पे डिस्कस करूंगा थ्री कर्नाटिक वॉर्स के स्टोरीज. जिस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि भारत में फ्रेंच और ब्रिटिश कैसे अपना साम्राज्य बनाए और उसका रिजल्ट क्या हुआ, कैसे फ्रेंच भारत से चले गए और कैसे ब्रिटिश इस भारत में खुद को एस्टैब्लिश करके फाइनली भारत को अपने अख्तियार में ले गए. तो चलिए शुरू करते हैं. समय में बता रहा हूं 1707 के बाद, औरंगजेब के देहांत के बाद भारत में अलग अलग राजा बने. सबसे बड़ा लैकफोल यही था कि भारत के राजाओं के अंदर बिल्कुल ही यूनिटी नहीं था. सब एक दूसरे के राइवल्स हुआ करते थे. सब चाहते थे कि मैं बड़ा राजा बन जाऊं और जिसका फायदा बहुत तहत से ये दोनों उठाए. तो हम लोग सोचेंगे पहला कर्नाटिक वॉर के स्टोरी के बारे में सोचेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या दिक्कत था. भारत में कर्नाटिक वॉर होने से पहले अगर यूरोप के बारे में अगर मैं सोचूं तो 1740 में स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिया को लेके यूरोप में दो अलग अलग राजाओं के बीच में या कंट्री के बीच में लड़ाई छिड़ चुका था. ठीक है. एक टीम में थे पुर्सिया, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन, ये एक टीम में थे और दूसरा टीम में थे इंग्लैंड, डच, रशिया. और जिसका इंपैक्ट भारत में बहुत जोरदार था. ठीक है. तो कहानी का सबसे पहला चीज क्या था, वो था 1745. 1745 में आपको पहले से मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि माड्रास एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था. तो
तो जब भी कोरोमंडल कोस्ट में फ्रेंच लोगों का शिप एंटर किया तो उन्होंने वो फ्रेंच के शिप को कैप्चर कर लिया। ये सबसे पहला चीज था जो आग लगाया, और कैप्चर करने के बाद फ्रेंच के जो कैप्टन थे, कैप्टन डुप्लेक्स, जिनके बारे में बताया था कि ही इज अ वेरी एम्बिशियस मैन और काफी इंटेलिजेंट भी हुआ करते थे कैप्टन डुप्लेक्स, तो उन्होंने तुरंत उस समय वहां के जो थे नवाब, जो थे द नवाब ऑफ आर्कट, और उनका नाम था अनिरुद्दीन खान, उनसे ये गुहार लगाई, रिक्वेस्ट किया कि ब्रिटिश लोगों ने हमारा ये शिप को कैप्चर कर लिया है, काइंडली इंटरफेयर, उन्हें बताइए ये गलत है, वापस करना है उन्हें। बट जो नवाब थे आर्कट के, उन्होंने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया। डुप्लेक्स वेट करते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ, तो फाइनली उन्होंने मॉरिशस से अपने ट्रूप्स बुलाए, ठीक है, और मॉरिशस से जब ट्रूप उनका आके पहुंचा तो ही सडनली अटैक किया, और अटैक करने के बाद कहां पे अटैक करेंगे, मैं बताया था माड्रास उनका ट्रेडिंग सेंटर था, माड्रास के ऊपर, और इस लड़ाई में ब्रिटिश लोगों का हार हुआ एंड द फ्रेंच पीपल कैप्चर्ड माड्रास। बट आर्कट के जो निजाम थे, ही वाज अ ब्रिटिश सपोर्टर, तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप इन्हें वापस कर दो ब्रिटिश लोग। तो ये फ्रेंच के जो कैप्टन डुप्लेक्स थे, उन्होंने उनको समझाया कि हमें वापस करेंगे, बट कुछ देर बाद उनको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ब्रिटिश लोगों ने जब गुहार लगाया, नवाब ऑफ आर्कट अनिरुद्दीन खान अपना बड़ा सा आर्मी, 10,000 लोगों का आर्मी लेके अटैक किए फ्रेंच के ऊपर, और फ्रेंच लोगों का आर्मी था सिर्फ 500, बट फिर भी इस लड़ाई में फ्रेंच लोगों का ही जीत हुआ, बिकॉज फ्रेंच के जो आर्मी के जवान थे, दे आर वेल ट्रेन्ड इन वॉर। तो फाइनली 1748 को एक संधि हुआ, और जिस संधि को कहा जाता है एक्सिनचैपल, और ये संधि ऐसा हुआ कि ब्रिटिश लोगों को माड्रास वापस कर दिया जाएगा, जो फ्रेंच लोगों ने कैप्चर कर रखा था, बदले में नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ा सा टेरिटोरी वो क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा फ्रेंच लोगों को। तो ये था पहला कार्नाटिक वॉर, ठीक है। अब दूसरा कार्नाटिक वॉर में हम लोग ये सोचेंगे कि क्यों हुआ, रीजन क्या था और कौन कौन थे ये लड़ाई। रीजन यही था कि पहला कर्नाटिक वॉर में जब लड़ाई हुआ था, द नवाब ऑफ आर्कट एंड द फ्रेंच आर्मी, तभी कैप्टन डुप्लेक्स को पता चल चुका था कि भारतीय आर्मी जो है, इट इज एट ऑल नॉट वेल ट्रेन्ड। कैप्टन डुप्लेक्स के हिम्मत सातवें आसमान पे थे, वो हमेशा ये दावा ठोकते थे, वो कॉन्फिडेंट थे कि अगर हम लोग लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आर्मी हो भारत का। तो ये इस कैप्टन डुप्लेक्स इस अपॉर्चुनिटी में थे कि अगर मुझे मिल जाए कहीं पे, तो वहां से मैं कितना एक्स्ट्रा फायदा ले पाऊं। ये अपॉर्चुनिटी उनको तभी मिला जब हैदराबाद के निजाम का देहांत हुआ, ठीक है। तो हैदराबाद के निजाम जो हुआ करते थे, निजाम ऑफ आसफ जाह वन, और उनका देहांत हुआ था 1748, और आफ्टर द डेथ ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद, देर इज ए वॉर ऑफ सक्सेशन। हैदराबाद में कौन निजाम बनेगा नेक्स्ट, उसका लड़ाई छिड़ चुका था, और द सेम थिंग हैपनिंग इन आर्कट ऑल्सो, ए प्लेस इन केरला, ठीक है। तो ये दोनों जगहों पे ये जो सक्सेशन का वार था, नेक्स्ट कौन बनेगा,
इसका फायदा लेना चाहते थे कैप्टन डुप्लेक्स, ठीक है। तो डुप्लेक्स ने क्या किया कि उन्होंने ये सक्सेशन वार में जो ग्रैंडसन थे असफ जाह वन का, उनका नाम था मुजाफर जंग, वो तुरंत अपना सपोर्ट मुजाफर जंग को दिया। तो मुजाफर जंग को जब उनको सपोर्ट मिला तो ब्रिटिश लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे तो हैदराबाद उनका हो सकता है। तो उनके जो राइवल्स हुआ करते थे उस समय नजीर जंग को ब्रिटिश लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। बट इसके बाद लड़ाई हुआ, फ्रेंच आर्मी ने अटैक किया नजीर जंग के ऊपर और नजीर जंग का मृत्यु हो गया, ही वॉज डाइड ऑन द वर्ल्ड। तो ये मृत्यु के बाद फ्रेंच लोगों का हिम्मत और खुलता गया। नेक्स्ट था एरकॉट। आर्कट में भी दो सक्सेशंस थे, एक थे चंदा साहेब जो कि फ्रेंच लोगों के सपोर्ट में थे और दूसरा थे मोहम्मद अली, ठीक है। बट यहां पे सिचुएशन अलग हो गया। आर्कॉट एक ऐसा जगह है जहां से ब्रिटिश का पावर भारत में एस्टैब्लिश होने का सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था, और ये इंसिडेंट कराने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उतना ताकतवर नहीं था ब्रिटिश आर्मी, बट रॉबर्ट क्लाइव काफी चालाक इंसान हुआ करते थे, और इसी के वजह से ये आर्कट का वार उन्होंने जीता था। एंड मोहम्मद अली द सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी बिकेम द नवाब ऑफ आर्कट, ठीक है। तो फिर ये लड़ाई जब हुआ और यहां पे मुजफ्फर जंग जो बने थे हैदराबाद के निजाम, उसके बाद उनका देहांत हो गया। फिर उनके एक नेक्स्ट आए सलामत जंग, सलामत जंग उसके बाद आए। तो कैप्टन डुप्लेक्स सलामत जंग को चार डिस्ट्रिक्ट डिमांड किए थे, आप रखिए ये चार डिस्ट्रिक्ट हमारा, और ये चार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह था त्रिची। त्रिची जो था वो मोहम्मद अली के सपोर्ट में, उसको लेना चाहते थे फ्रेंच के लोग। तो ये दूसरे वार में जब आर्कट जीते तो वहां पे फाइनली एक ट्रीटी हुआ था जो कि पांडिचेरी में हुआ था, जिसको कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, और ये हुआ था 1754 में। और इस ट्रीटी के अंतर्गत फाइनली ये समझौता हुआ कि भारत में किसी के सक्सेसर को लेके या किसी भी दो राइवल राजाओं का लेके ये दोनों ट्रेडर्स कभी भी इंडल्स नहीं होंगे। बोथ द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच दे शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन ट्रेड एंड नेवर इंडल्स इन द राइवलिटी ऑफ द इंडियन किंग्स। ये एक फाइनल रिजल्ट आया। थर्ड कर्नाटिक वॉर, ये समय था 1758 से 1763, और भाई ये वार का इंपैक्ट यहां का नहीं था, ये इंपैक्ट था यूरोप का। यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जो 7 इयर्स वार हुआ था 1756 से 1763, उसके इंपैक्ट में भारत में फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हुई, और उस समय फ्रेंच के जनरल हुआ करते थे काउंट डी लैली, और ब्रिटिश के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे जनरल सर एयर कुटे। तो हुआ क्या कि आपको मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच लोगों से हथियार ली चंद्रनागर बंगाल का जो पार्टी था। तो फ्रेंच लोगों ने इसका बदला रिवेंज लेने की कोशिश की, और उन्होंने अटैक किया
कहां पे? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज यानी मद्रास, जो फोर्ट हुआ करता था, जो ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। और ये लड़ाई बड़े जबरदस्त लड़ाई हुआ, बट फाइनली इस लड़ाई में इसे कहा जाता है द बैटल ऑफ वंडीवाश 1760, 1760 में ये हुआ था। और इस लड़ाई में फाइनली फ्रेंच लोग हार गए। तो ये फ्रेंच लोग हारने के बाद उनका जो भी वैल्यू था भारत में खत्म हो गया। ब्रिटिश के आर्मी धीरे धीरे फ्रेंच लोगों के सारे इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स को हत्या लिए, पांडिचेरी, माहे, जिंजी, करैकल, आपका ये सारा जो ट्रेडिंग सेंटर था, दिस ऑल आर बीइंग कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। तो फ्रेंच लोगों का जो पावर था भारत में धीरे 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 पूरा खत्म ही हो गया। कंक्लूजन क्या है? ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। और इस ट्रीटी में यह रखा गया कि वापस पांडिचेरी एंड चंद्रनागर, दीज टू प्लेसेस शुड बी अगेन रिटर्न बैक टू द फ्रेंच, बट नॉट द रिमेनिंग। और यह रहेगा कि आज से फ्रेंच लोग अपना आर्मी भारत में नहीं रखेंगे, दे ओनली बी हियर फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर एनी अदर पर्पोज। फ्रेंच लोग जो सोचे थे कि भारत में एस्टैब्लिश होंगे, भारत को एक्वायर कर लेंगे, वो जो सपना था इसी ट्रीटी के साथ खत्म हो गया। और रास्ता खुला ब्रिटिश लोगों का। फाइनली दे एडवांस देयर सेल्फ टू एक्वायर द होल पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों फ्रेंच लोग भारत से चले गए? बहुत सारे रीजन हुआ करता था। फ्रेंच के उतने आर्मी थे नहीं जितने इंग्लिश के थे। जितना सपोर्ट उनको इंग्लैंड से मिला फ्रेंच लोगों को, उतना फ्रांस से नहीं मिला। इनके तीन चार ट्रेडिंग इंपोर्टेंट सेंटर हुआ करते थे, मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। वेरास फ्रेंच लोगों का एक ही ट्रेडिंग सेंटर था, पांडिचेरी, मेन ट्रेडिंग सेंटर अगर कहा जाए तो। यानी वंस अगर पांडिचेरी एक्वायर कर लिया जाए तो खत्म, बट वहां पे अगर इनको किसी एक ट्रेडिंग सेंटर को एक्वायर कर लिया जाए तो बाकी दो ट्रेडिंग सेंटर से ये लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारे कमजोरी के वजह से फ्रेंच लोग भारत में जो सपना देखे थे भारत को एक्वायर करेंगे बोल के, वो सपना खत्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ ये ही सोचेंगे कि भारत में ब्रिटिश लोगों का पावर को फैलाने का काम कैसे हुआ, कौन किया, किस किस स्टेप में भारत में किस किस जगहों पे वो लोग फैले, और उसके कंक्लूजन्स क्या हुए। ठीक है, सो अगर आपको और विस्तार में नोट्स चाहिए तो लिंक में हम लोग नोट दिए हैं, यू कैन गो थ्रू दोज नोट्स और यू कैन ट्राई योर ओन। जब भी मैं बताता हूं यहां पे स्क्रीन पे भी नोट्स आते हैं, आप इसको देख के भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी वीडियो में और कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए या एक्स्ट्रा डाटा चाहिए तो ये कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। कुछ भी आपको अगर अलग लगे, अच्छा लगे, आप अपना कमेंट दो। आपको ठीक ना लगे फिर भी आप अपना कमेंट दो, हमें भी ये पता चले कि और आगे कैसे अच्छा से अच्छा वीडियो हम लोग और बना पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।